सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं सर्फेस्ट ऑटोमोबाइल। सो आज के वीडियो के अंदर भी मैं पूरी दुनिया भर से काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑटो न्यूज़ लेके आया हूं। इन्हीं सभी न्यूज़ को अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो को शुरू करने से पहले कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द राइड। सो गाइस, हमारी सबसे फर्स्ट न्यूज़ आ रही है रेनॉल्ट की तरफ से। रेनॉल्ट का अपकमिंग जो कार है जिसका नाम है रेनॉल्ट मैग्नेट ई विजन, वो पब्लिक रोड पे टेस्टिंग करते हुए दिखी गई है। ये पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो देखते हैं। अभी टेस्टिंग चल रही है, तो ऑलमोस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक वर्जन कैसा रहता है। सो गाइस, हमारी अगली न्यूज़ आ रही है RTO की तरफ से। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जब से पेंडेमिक चालू हुआ है तब से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, तो इसके चलते हुए कुछ नए डिसीजन लिए गए हैं RTO के चलते हुए। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या अप्लाई करना है, तो काफ़ी सारे बार हमको RTO के अंदर विजिट करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे वेरीफाई करवाना रहता था, लेकिन वो अभी सब हो चुका है ऑनलाइन। हमको सिर्फ और सिर्फ कार की या कोई भी व्हीकल की हमको टेस्ट देनी है, तभी आपको जाना रहेगा वहाँ पर। बाकी ऑलमोस्ट सभी काम यहाँ पर हो चुके हैं, और शायद तक तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर आपको जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवाना है या तो फिर आपको लर्निंग लाइसेंस लेना है, तो इसके लिए कार टेस्ट की वैसे ज़रूरत रहती नहीं है। और जिसमें जो छोटे मोटी चीज़ें होती हैं जिसमें व्हीकल टेस्ट की ज़रूरत रहती है, वो भी यहाँ पर स्किप किया गया है। सिर्फ और सिर्फ नई जो ड्राइविंग आपको लाइसेंस जो मिलता है फाइनल वाला, उसके लिए आपको शायद RTO जाना रह सकता है। तो आप घर पे बैठ के लास्ट जो अपॉइंटमेंट रहती है लाइसेंस के लिए, जो टेस्ट देना रहता है, तब तक आप सभी काम घर पे बैठ के कर सकते हो। तो ये काफी इजी है इंसान के लिए भी और गवर्नमेंट्स के लिए भी, मतलब सभी के लिए। सो गाइस, हमारी अगली न्यूज आ रही है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर लास्ट 3 महीनों के अंदर 10% बढ़ चुके हैं। मतलब जो वॉल चार्जर होते हैं, जैसे हम हमारी जो कार होती है वो आसानी से चार्जिंग कर सकते हैं, वो 10% बढ़ चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट वहाँ पर 39,538 इतने चार्जर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो धीरे धीरे जर्मनी काफ़ी आगे बढ़ रहा है चार्जिंग स्टेशन के मुकाबले। देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर पहले सक्सेसफुली अच्छी तरह से कब लॉन्च हो जाती है सभी कारें, और उसके बाद हमारे इंडिया का तो अलग ही मसला है। सो गाइस, अगली न्यूज़ आ रही है पेट्रोल प्राइस की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए रूल्स आए हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि अभी हम करने वाले हैं हमारे कुछ टैक्सेस में चेंजेस, मतलब जो फ्यूल के ऊपर लगते हैं उसमें से काफ़ी सारी कटौती होने वाली है। तो इन शॉर्ट ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ टाइम के अंदर हमको पेट्रोल मिल सकता है 75 रुपीज़ पर लीटर, और डीजल हमको मिल सकता है 68 रुपीज़ पर लीटर। ये हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी 100 रुपीज़ क्रॉस करने वाला है, और हमारे यहाँ पर तो 92 रुपीज़ चल रहा है, तो ये काफ़ी 75 फिर भी चलेगा। सो गाइस, हमारी अगली न्यूज़ आ रही है बजाज की तरफ से। बजाज ने लॉन्च कर दिया है बजाज प्लेटिना 110 विथ ABS। तो ये गाड़ी की प्राइस है 65,900 एक्स शोरूम प्राइस है। इसके अंदर हमको ABS का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा रिस्क तो एटलीस्ट कम ही रहेगा, हालांकि बजाज प्लेटिना ही है ये। सो गाइस, हमारे अगली न्यूज़ आ रही है होंडा की तरफ से। होंडा एक जो जापानीज कंपनी है, इन्होंने ऐसा बताया है कि जो Level 3 वाला सेल्फ ड्राइविंग कार वाला जो वेरिएंट है, वो हम लिमिटेड बैच में लॉन्च करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि 100 कार्स हम लॉन्च करने वाले हैं, मतलब सेल करने वाले हैं। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि Level 3 का जो इसके अंदर मिलेगा, इसका मतलब ये काफ़ी कंजेस्टेड रोड पे भी अपने डिसीजन ले पाएगी कार, अपने आप का चल पाएगी, और लोग अपना जो स्ट्रेस रहता है वो टेंशन फ्री होने के लिए वो मूवीज सब देख सकते हैं। तो देखते हैं ये सक्सेस जाता है कि नहीं जाता। Level 3 वे एक तरीके से तो काफ़ी अच्छा ही है। सो गाइस, हमारे अगली न्यूज़ आ रही है मुंबई की तरफ से। मुंबई में 151 कार सीज हो चुकी है। ये एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा था। काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से वो कार चोरी करते थे और नंबर प्लेट चेंज करके दूसरे पर्सन्स को वो बेच देते थे। तो ऐसी 151 कार, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, तेलंगाना है, कर्नाटका का है, मतलब पूरी दुनिया भर से काफ़ी सारी कार्स, सॉरी पूरी इंडिया से काफ़ी सारी कार्स लेकर वहाँ पर बेची जा रही थी। तो इतने जो इस पूरे रैकेट के अंदर जितने लोग शामिल थे, कम से कम 10-15 लोग हैं, इन सबको पकड़ लिया है, और इतनी जो कार्स है वो भी सीज कर दी है। अभी देखते हैं जिन्होंने वो कार खरीदी उनको रिफंड कैसे दिया जाएगा। सो गाइस, हमारे अगली न्यूज़ आ रही है टाटा की तरफ से। टाटा ने लॉन्च कर दिया है टाटा टियागो, उनका जो अगला वेरिएंट है जिसकी प्राइस है टाटा टियागो XTA वेरिएंट। इसके अंदर हमको ऐसा बताया जा रहा है इसकी प्राइस है
5.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस, मतलब 6 लाख की ये कार है। इसके अंदर हमको ऐसा बताया जा रहा है कि AMT हमको लाइनअप जो गियर्स होता है AMT का हमको ऑप्शन मिल जाएगा, तो देखते हैं कैसा रहता है। AMT का भी अच्छी बात है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट न्यूज़ पे, जो कि आ रही है ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर कंपनी की तरफ से, जिसने लॉन्च कर दिया है कंट्रीमैन हमारे इंडिया के अंदर। इस थर्सडे को ही इन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस ऐसा बताया जा रहा है 39.50 लाख से, मतलब 39,50,000 से लेकर इसकी प्राइस रह सकती है 43,40,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस रह सकती है। इसका नाम ऐसा हो सकता है, इसके जो वेरिएंट है कंट्रीमैन कूपर एस और कंट्रीमैन कूपर एस जे सी डब्ल्यू इंस्पायर्ड, ऐसा कुछ है। तो 39 लाख से स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो इनकी वेबसाइट पे विजिट करके आप चेक भी कर सकते हैं। सो गाइस ये थी पूरी की पूरी आज की सभी न्यूज़। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर दीजिए लाइक। टिल देन बाय बाय।